नमस्कार, मैं हूँ लेजली त्रिपाठी। आज मैं अपनी लेगेसी सीरीज़ के लिए आई एम विद राजकुमार करोजिया, द एक्टर एंड कमेडियन। सो राजकुमार, टेल अस अबाउट योर फैबुलस जर्नी। आपके बहुत सारे फिल्में आए हैं और आप अपने कॉमेडी से लोगों का दिल जीतते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच लेजली फॉर हैविंग मी हियर। एंड सो फार माई जर्नी वॉज रियली इनक्रेडिबल रादर, बिकॉज आई रियली हैड अ गुड टाइम एंड आई डिड सो मैनी वराइटीज ऑफ रोल्स एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इतने सारे किरदारों को इतने कम समय में जी पाया और मुझे आगे अभी बहुत किरदार जीने हैं। और सफ़र लुभावना इसलिए रहा, अद्भुत इसलिए रहा क्योंकि मैंने मतलब मुझे किसी ने स्टीरियोटाइप नहीं किया। मैं मतलब मुझे हर तरह के किरदारों को जीने का मौका मिला परस्पर। और इसके अतिरिक्त हालांकि मैंने कॉमेडी ज़्यादा की है लेकिन हर तरह के रोल मैंने किए हैं, और फिल्मों में, विज्ञापनों में, सीरियल्स में, हर जगह बहुत मज़ा आ गया। मतलब मुझे ये पूछना था आपका फेवरेट फाइव फेवरेट फिल्म्स या यू नो आज बेसिकली फिल्म्स जिसमें आपको ज़्यादा लोगों ने परखा है, लाइक पसंद किया है। देखिए, ऐसे तो मेरी सबसे बहुचर्चित फिल्म है विच वॉज रियली फेमस, दैट वॉज कॉल्ड स्टाइल, इन विच आई प्लेड अ कैरेक्टर कॉल्ड शरद कांडी एंड इट स्टिल फेमस। जबकि इस फिल्म को अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं 17 साल, फिर भी ये फिल्म अब भी मुझे बहुत से लोग इसी किरदार से जानते हैं। और इसके अलावा हासिल वॉज रियली वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म। इनफैक्ट वो मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है वो सिनेमा, क्योंकि उसमें कुछ अलग था। मतलब उसमें सारा कुछ मतलब क्रिएटिविटी से लबालब था। इरफान भाई की फिल्म थी, इरफान खान ऑथर बैक रोल था। आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड पिवोटल कैरेक्टर इन दैट रादर। एंड देयर थ्री मोर फिल्म्स। या और तीन बताइए। और तीन फिल्में थी मेरी, गॉट टू सी ग्रेट हो सलमान खान के साथ, रोमी जाफरी के साथ काम किया था, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रोल था TLB के साथ। सलमान खान खुद ने बहुत अप्रिशिएट किया था, किरदार का नाम भी सलमान खान ने ही दिया था। और फिर टी एल वी प्रसाद। हाँ, okay. और मेरे फिल्म का नाम था गॉट टू सी ग्रेट हो। फिर 1-2-3 एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मेरे किरदार का नाम था हीरालाल। इवन दैट वॉज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर, आई एंजॉयड प्लेइंग दैट कैरेक्टर। और मेरी और एक पहेली फिल्म भी बहुत अच्छी थी जिसमें शाहरुख खान वाली, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था। आई हैड अ गुड टाइम। हाउ वाज इट वर्किंग विद अमोल पालेकर? अमोल पालेकर इज रियली इमेंसली टैलेंटेड फिल्म मेकर। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक एक्टर से ज़्यादा अच्छा वो डायरेक्टर है, और मज़ा आया उनके साथ काम करने को। और मैं जानता पहले से था उनको, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सामने से मेरी मकरंद देशपांडे की फिल्म थी दानव, वो देख करके मुझे बुलाया था, मुझे कास्ट किया था। वाह। सो आप कब से, कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हैं? 21 years। वाह, इलस्ट्रियस। सो लाइक डिड यू प्लान दिस, डिड यू हैव अ गॉडफादर, डिड यू स्ट्रगल फॉर दिस? टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड स्ट्रगल, बट मेरा वो टिपिकल स्ट्रगल नहीं रहा कभी, बिकॉज मेरा रोटी कपड़ा मकान यही रहा है। और उसके अलावा मेरा कोई इसमें मतलब इसमें मेंटोर या गॉडफादर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं मतलब खुद ही अपने आप को मानता हूँ सब कुछ। फॉर अ पर्सन, आजकल एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्टर, मोस्ट ऑफ देम, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके फैंस को जो फ्यूचर में आपकी तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं? हाँ, मैं नए इंस्पायरिंग एक्टर लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कूदो, लेकिन बहुत सोच समझ कर, भट्टी में अपने आप को तप तपा कर बाद में आओ, ऐसी अंधी दौड़ में मत दौड़ना। ओके। एंड आपकी यू नो मेरी शो इज़ ऑल अबाउट लेगेसी। हम क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, क्या स्ट्रगल किए, और व्हाट वी वांट पीपल टू रिमेंबर अस एज, तो हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? आपकी विरासत क्या है? मेरी विरासत यही है, मेरे किरदार यही मेरी उपलब्धि है, एंड दिस आर माई अचीवमेंट। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी किरदारों से लोग हमेशा जाने, समझे, माने, बस यही। एंड अगर इफ देयर्स अ बुक ऑन यू, व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ द बुक? राज द ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज लेजली त्रिपाठी साइनिंग ऑफ विद राजकुमार करोजिया। थैंक यू। इशारे कर दी, हो गया हो गया हो गया।